Hello everyone, dear student. Now we will represent root 5 on the number line. Root 5 को हम number line पे उसी figure में हम जो है represent कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत ये था कि मुझे पेज बार बार उसको चेंज करना पड़ता, पलटना पड़ता, इसलिए इसको हम फिर से जो है आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है. ठीक है, तो सबसे पहले सेम वही थिंक करना होगा, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से. ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका कुछ नाम रख देंगे, एक्स एक्स डैस. यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इस तरह से लेंगे कि जो कि ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा, तो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट हम ले लेंगे, उसका कुछ नाम रख देंगे. हमने नाम रख दिया यहाँ पर ओ. ठीक है, इसके बाद जब हम रूट फाइव को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेंगे ए. ठीक है, और ओ ए इज इक्वल टू हम ले लेंगे टू यूनिट. कितना लेंगे? टू यूनिट. यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ओ ए को हम टू यूनिट लेंगे, और ए पर जो परपेंडिकुलर लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए बी, ए बी जो है परपेंडिकुलर टू ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन यूनिट लेंगे. ठीक है, रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है तो एक जो है ओ ए जो लेंगे वो टू यूनिट लेंगे, और जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो वन यूनिट लेंगे. आप चाहें तो इसको वन यूनिट और इसको टू यूनिट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब एक वन यूनिट होगा तो दूसरा दो यूनिट होगा. ठीक है, क्यों होगा अभी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, कुछ देर बाद देखिए कैसे होता है. फिर अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, ओ बी को इस तरह से मिला दें, तो ओ बी जो हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा आपका रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी है? टू है, तो यहाँ पे टू का स्क्वायर हो जाएगा. ए बी की कितनी वैल्यू है? वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू का स्क्वायर मतलब फोर और वन. ठीक है, और इस तरह से ओ बी जो है वो हो जाएगा आपका रूट फाइव. ठीक है, अब ओ बी जो है हमारा रूट फाइव हो गया, तो ओ बी को हम क्या करेंगे, रेडियस मान करके एक इस तरह से आर्क ड्रा करेंगे. वो आर्क एक्स एक्स डैक्स को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा. मान लिया कि वो पॉइंट हमारा जो है पी है. ठीक है, तो अब ओ बी जो है ओ पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं. तो इस कंडीशन में हम राइट करेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ पी. क्यों? क्योंकि ये रेडियस है. ठीक है, अब ओ बी की जो वैल्यू है वो है रूट फाइव, तो रूट फाइव जो है हो गया इज इक्वल टू ओ पी. तो इसलिए पॉइंट पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? रूट फाइव को. ठीक है, इस तरह से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब आइए हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे रूट सिक्स और रूट सेवन को. ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग रूट सिक्स एंड रूट सेवन ऑन द नंबर लाइन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, और अब रूट सिक्स और रूट सेवन को भी हम इसी तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. सेम वही थिंग, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्स प्लस. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे जो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया और इसका नाम रख दिया ओ. यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेंगे ए, और ओ ए इज इक्वल टू कितना लेंगे? टू यूनिट. ठीक है, ओ ए हमने ले लिया टू यूनिट, और एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ कर दिया ए बी. ए बी इज इक्वल, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट. ठीक है,
तो सबसे पहले देखो रूट सिक्स को जो है निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले रूट फाइव की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम रूट फाइव की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ओ बी अगर हम इसको मिला देंगे ओ बी, तो ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टू टू थी तो टू की स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा रूट फाइव। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू हो जाएगी रूट फाइव, ठीक है। ओ बी की वैल्यू हमें पता चल गई रूट फाइव। चूँकि हमें रिप्रेजेंट करना है रूट सिक्स को, इसलिए हम यहाँ पे अभी आर्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, ओ बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम इस तरह से ड्रा करेंगे यहाँ पे इस तरह से, जिसका नाम रख देंगे एल। तो अब जो है आपका यहाँ पे एल बी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, और ये कितना लेंगे हम, वन यूनिट लेंगे। तो एल बी जो है हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ओ बी के ऊपर, जिसकी जो यूनिट है वो वन यूनिट है। अब अगर हम एल से मिला दें ओ को, तो ओ एल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। ओ बी की जो वैल्यू है वो है हमारी रूट फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर, और बी एल की वैल्यू हमारी कितनी है, वन, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे रूट फाइव स्क्वायर होगा तो जो है ये फाइव होगा, ये वन होगा, और ये हो जाएगा रूट सिक्स, ठीक है। तो ओ एल की जो वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई रूट सिक्स। अब ओ एल जो है वो देखो, ओ एल को हम रेडियस मान करके एक इस तरह से आर्क ड्रा करेंगे जो एक्स एक्स डैश को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, मान लिया कि वो पॉइंट पी है, ठीक है। अब ओ एल जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ पी के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो ओ एल इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। ओ एल की जो वैल्यू है वो है आपकी रूट सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी। तो अब इस तरह से जो पॉइंट पॉइंट पी है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट रूट सिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रूट सिक्स की वैल्यू फाइंड आउट को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। ओके, अब आपको रूट सेवन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर से क्या करना होगा, फिर से आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे जो कि ओ एल पे, ओ एल पे एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, और फिर ये आप वन यूनिट लोगे, ठीक है। आप जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसका कुछ नाम रख दो एल एम। तो आपने एम एल परपेंडिकुलर टू ड्रॉ किया किसके ऊपर, ओ एल के ऊपर। ओ एल के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और वो कितना रखा, वन यूनिट। सेम वही थिंग है, फिर से आप ओ, अब ओ से एम को आप मिला दो, ओ से जब आपने एम को मिलाया तो ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ओ एल स्क्वायर प्लस एम एल एम एल स्क्वायर। ओ एल स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर, ठीक है। ओ एल की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया है रूट सिक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट सिक्स का स्क्वायर। और एल एम की वैल्यू अभी आपने वन यूनिट ली है, तो वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स, यहाँ पे हो जाएगा वन इज इक्वल टू रूट सेवन। तो ओ एम कितना हो गया, रूट सेवन हो गया। अब आप सेम वही थिंक करोगे, ओ एम को रेडियस मान करके एक इस तरह से आर्क ड्रा करोगे, वो आर्क कहीं ना कहीं एक्स एक्स डैश को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, हमने उस पॉइंट को का नाम रख दिया क्यू, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो अब यहाँ से ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू,
क्यों? क्योंकि रेडियस है, और ओ एम की वैल्यू कितनी है? रूट सेवन है। रूट सेवन इज इक्वल टू हो जाएगा सॉरी ओ क्यू। तो इसलिए पॉइंट जो क्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? रूट सेवन को। ठीक है, तो इस तरह से हम रूट टू, रूट फाइव, रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट इलेवन, इन सभी नंबर्स को जो है इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यू विल गॉट बेटर अंडरस्टैंड। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।